नमस्कार, बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। युवती का प्रेम से एग्रीमेंट, कहा हिंदू धर्म अपनाए, नॉनवेज छोड़े तभी होगी शादी। गुजरात के सूरत में एक मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने मुस्लिम लड़के के साथ शादी से पहले थाने में दो बड़ी शर्तें रख दी, जिसे पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल युवती ने कहा है कि वह एक मुस्लिम युवक से शादी करने को तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो हिंदू बनने के लिए तैयार हो जाए, नॉनवेज खाना छोड़ दे। यही नहीं, वह उसे कभी भी खाना बनाने के लिए दबाव में नहीं डालेगा। जानकारी के मुताबिक हिंदू युवती ने कुछ समय पहले एक मुस्लिम युवक से प्यार हो गया था। वह उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, घर वाले राजी नहीं हुए तो दोनों घर से भाग गए। युवती के परिवार वाले ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने 3 दिन बाद दोनों को खोज निकाला। हालांकि युवती उससे शादी करने की जिद पर अड़ी रही। पुलिस स्टेशन में हलफनामा दायर किया था। हलफनामे के मुताबिक युवती मुस्लिम युवक से शादी करने को तैयार है, लेकिन एक ही शर्त पर कि वो हिंदू बनने को तैयार हो जाए और नॉनवेज खाना छोड़ दे। युवती के हलफनामे में एक एग्रीमेंट का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा है कि लड़के को अपने घर वालों की मौजूदगी में हिंदू धर्म को अपनाना होगा। ये भी वादा लिया गया कि वह बाद में फिर कभी मुस्लिम नहीं बनेगा। युवती ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। युवती ने कहा कि अब अगर उसकी शर्त नहीं मानी गई तो वो शादी नहीं करेगी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने लड़की का हलफनामा मिल गया है। #MeToo सवालों पर बोले अकबर, मुझे याद नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर ने एक महिला पत्रकार के खिलाफ दायर कराए मानहानि के मामले में शनिवार को अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन पर पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण और मानहानिकारक है। पत्रकार की ओर से पेश हुई वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने अकबर से कुछ सवाल पूछे। ये सवाल पत्रकार के काम करने के सहित कई अन्य बातें से जुड़ी थी। हालांकि अकबर ने ज्यादातर सवालों के जवाब में कहा, मुझे याद नहीं। अदालत में करीब 2 घंटे तक सुनवाई हुई। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।